प्यारे छात्रों, जैसा कि पिछले दिनों कहे थे कि रेलवे पर्पस से डीआई के फेज का भी चर्चा कर लेंगे। 2 दिन के फेज में छोटा छोटा ही वीडियो लेके चर्चा कर देते हैं। पहला पार्ट पाई चार्ट पे चर्चा कर देते हैं और दूसरे पार्ट में टेबुलेशन और वार ग्राफ दोनों एक साथ चर्चा कर देते हैं। तो आज अभी पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, वो है आपका पाई चार्ट। एक दो लाइन को ध्यान में रखिएगा, विशेष कुछ माथापच्ची नहीं करना है। दो चार लाइन ध्यान में मुश्किल से रखना है आपको। उसके बाद पाई चार्ट का मतलब है समय का कहीं ना कहीं हर जगह बचाव करने का काम करने का प्रयास कीजिएगा, और मुख्य फोकस वनडे में समय का बचाव लेके चलने का प्रयास कीजिएगा। आइए एक ग्राउंड बताते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड का चर्चा कर लें। किसी ये पाई चार्ट की अगर बात करें, पाई चार्ट किसी भी कंबाइंड डेटा को एक सर्कुलर पाथ पे सजाने का क्रम, यही पाई चार्ट है। एक सर्कुलर पाथ बना दिया। मान लीजिए कुछ टुकड़ा में बांट दिया, तीन चार व्यक्ति ही है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति का खर्चा, सी व्यक्ति, डी व्यक्ति, ई व्यक्ति, एफ व्यक्ति। नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, व्यक्ति का खर्चा। अब पाई चार्ट दो फेज में सजाया जा सकता है, एक प्रतिशत में और दूसरा डिग्री में। प्रतिशत में अगर कहा जाए तो संपूर्ण का मतलब होता है 100%, और डिग्री में अगर कहें तो कुल मिला के डिग्री होता है 360, 360 डिग्री। टोटल दो एंगल से सजाया जा सकता है। मान लीजिए इस बीच में कुछ डेटा डाल देते हैं, सपोज ये 10% कर दिए प्रतिशत में, ये 12% कर दिए, ये 6% कर दिए, ये 12% कर दिए, 30% कर दिए, कितना हुआ, इसको 20 कर देते हैं, तो 20 12 32, 6 38, 40 50, 30 80, ये 20%, 5 6 व्यक्ति का खर्च। सिंगल पाई चार्ट से फेज का शुरुआत कर रहे हैं, 6 व्यक्ति के खर्च का डेटा दे दिया। मान लीजिए टोटल खर्चा आपको कुछ ना कुछ दे दिया, सपोज 50,000 ही है कुल खर्चा। तो दो लाइन पहले मेंटेन कर लीजिए और उसके बाद इधर को लेके चलते चलते हैं। पहला लाइन सिंगल पाई चार्ट में, एक ही अगर पाई चार्ट हो, चाहे प्रतिशत यूज करे तो 100% या डिग्री यूज करे तो 360 डिग्री। सिंगल पाई चार्ट में रेशियो से सवाल हो या परसेंटेज से सवाल हो, रेशियो प्रतिशत इस सब के लिए डेटा का प्रयोग ना करें, डेटा का प्रयोग ना करें, डेटा छोड़ के बनाइए। अब क्या है डेटा छोड़ना, उसकी कहानी करेंगे। दूसरा, जोड़ घटाव का सवाल, घटाव का सवाल तो भी सारा जोड़ घटाव प्रतिशत या डिग्री जिसमें दिया हुआ हो, प्रतिशत या डिग्री में ही कर रहे। सिंगल पाई चार्ट हो तो रेशियो प्रतिशत के लिए डेटा का प्रयोग ना करें, डेटा का मतलब टोटल जो दिया हुआ है इसका प्रयोग ना करें। और अगर जोड़ घटाव से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पाई चार्ट के अंदर कीजिए। अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, चाहे वो प्रतिशत रहे चाहे वो डिग्री रहे, दोनों की चर्चा बारी बारी से किए देते हैं।
उधर वाला लाइन पहले मिटा देते हैं और तब थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इतना दूर हटा लेते हैं। अब दो लाइन अभी जोड़े। एक लाइन कहे सिंगल पाई चार्ट हो तो रेशियो प्रतिशत इस सब का सवाल अगर पूछ रहा हो तो डेटा का प्रयोग ना करें। मान लिया जाए पूछ लिया आपसे ए और डी का अनुपात, ए और डी के क्वेश्चन है, डी के आई का अनुपात, तो अनुपात से सवाल पूछा है तो इस डेटा को टच ही मत कीजिए। ए वाला कितना है 20 और डी वाला कितना है 12, 4 से कटेगा 5:3, लिखिए टिक लगाइए निकल जाइए। पूछ दिया क्वेश्चन, मान लीजिए सी का आय ई के आय का कितना प्रतिशत, डिग्री में रहे तब भी या प्रतिशत में रहे तब भी, पूछा है सी का आय ई के आय का कितना प्रतिशत, ये पूछा है तो प्रतिशत से सवाल पूछा है। ई का कितना प्रतिशत है, सी का आमदनी, ई वाले का कितना प्रतिशत है, तो सी वाले का आमदनी तो 6, किसका ई का, तो बटा में 30 का, और कितना प्रतिशत तो गुना 100, 6 से 5, 5 से कटा 20, तो कितना प्रतिशत 20, मतलब इसके लिए भी डेटा का प्रयोग ना करें। तो रेशियो प्रतिशत से सवाल हो तो डेटा छोड़िए और डायरेक्ट निकालते चले जाइए, डेटा की कोई जरूरत नहीं। कब, जब सिंगल पाई चार्ट हो, ड्यूअल पाई चार्ट में आएंगे तब उसकी कहानी तब करेंगे। अब इसको जरा थोड़ा रिमूव कर लेते हैं फिर यहां से। अभी दूसरा लाइन इसमें जो है कहे अगर डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पहले कीजिए। कह दिया ए की आय सी और डी के संयुक्त, कंबाइंड संयुक्त आय से कितना अधिक, डेटा से सवाल है जोड़ घटाव का। कह दिया ए का आमदनी सी और डी के संयुक्त आमदनी से कितना अधिक है, तो ए का आमदनी मतलब 20, सी और डी का संयुक्त आमदनी तो 12 6 18, तो 20 वाला 18 से कितना ज्यादा, तो 20 वाला 18 से कितना ज्यादा, 2%। बस अब आपका काम है डेटा से सवाल है तो लास्ट में सारा जोड़ घटाव पहले कर लिए। अब डेटा है कितना 50,000, इसका 2% निकालना है तो 2/100, 2 0 कटेगा, 500 का डबल 1,000, तो कितना है अधिक, तो 1,000 रुपया अधिक है, बस निकालते जाइए। तो सिंगल पाई चार्ट हो, चाहे डिग्री में हो चाहे प्रतिशत में हो, रेशियो निकालना हो तो सिर्फ प्रतिशत बॉक्स में ही रह जाएंगे, डेटा नहीं टच करेंगे। प्रतिशत निकालना हो डेटा टच नहीं करना है, डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पहले कर लिए और बाद में डेटा का प्रयोग कर लिए। ये करते रहिए, क्वेश्चन भी फास्ट रहेगा, जितना जरूरत हो स्पीड मेंटेन किया हुआ रहेगा और आराम से फटाफट बनाते चल सकते हैं। रेलवे का पिछले 4 साल के प्रीवियस की बात की जाए तो करीब करीब क्वेश्चन सिंगल पाई चार्ट पर ही मूव कराता हुआ निकाल दिया, एक एक क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन किसी में 3 क्वेश्चन का सेट डाल के इस कदर निकाल दिया। सारा प्रीवियस ही लेके चुके चल रहे हैं, ज्यादा डिजाइन की तरफ बैंकिंग के सेक्शन में जा नहीं रहे हैं, बिल्कुल बेसिक दौर से ही रेलवे गुजार रहा है और वादा यही किए थे कि रेलवे प्रीवियस टोटल करवा देंगे, तो थोड़ा ग्राउंड बताते हुए इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब थोड़ा इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए अभी क्या कहे, कोई पाई चार्ट होगा तो प्रतिशत में होगा तो कितना टोटल, मतलब 100%, और डिग्री में होगा तो कितना 360 डिग्री होगा, ये तो पता है। डिग्री में टोटल 360 डिग्री, कुल केंद्रीय कोण 360 का, और प्रतिशत में टोटल मतलब 100%। अब अगर 1 डिग्री निकालना होता तो ये इधर 360 भाग पड़ जाता, 0 0 कट जाता, तो 5/18% कहलाता। या फिर
1% निकालना होता तो ये 18 इधर आता तो ऊपर बटा 5 डिग्री कहलाता। जस्ट लाइक टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो क्या यूज करते थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुना, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना तो 18/5 से गुना। ठीक वही काम, डिग्री है और प्रतिशत में बदलना है तो 5/18 से, उसी को यूं समझिए, डिग्री को प्रतिशत में बदलना पड़े तो गुना कर दिया कीजिए 5/18 से, और दूसरा प्रतिशत को डिग्री में बदलना पड़े तब गुना कर दीजिए 18/5 से। वो भी अगर भूल जाते हैं तो ये 5/18 तो पता है, प्रतिशत छोटा होता है तो डिग्री को प्रतिशत बनाना है तो छोटा बनाना है तो छोटे डेटा से तो 5/18 से गुना, अब प्रतिशत को डिग्री बनाना है तो बड़ा डेटा बनाना है, क्योंकि 100% होता है डिग्री में 360 तो 360 बड़ा हो जाता है, तो बड़ा बनाना है तब 18/5 से। कभी कभी याद करने के बावजूद गड़बड़ हो जाता है, भूल जाते हैं कि 18/5 करना है कि 5/18, तो उसके लिए कहानी एक इसकी जरूरत पड़ेगी, तब ड्यूअल पाई चार्ट तक पहुंचाएंगे, क्योंकि संभावना बनती है कि ड्यूअल पाई चार्ट भी पूछे, लेकिन पिछले 4 साल का प्रीवियस लेके चल रहे थे तो उसमें कहीं ड्यूअल पाई चार्ट का यूज नहीं किया हुआ था, तो पहले इस प्रीवियस को निपटा लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, डिग्री को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, सिंगल पाई चार्ट से सवाल हो तो रेशियो प्रतिशत इस सब के लिए डेटा का प्रयोग नहीं करेंगे, डेटा से भी सवाल हो तो सारा जोड़ घटाव पहले कर लेंगे और सबसे लास्ट में डेटा का प्रयोग करेंगे। इतना कीजिए, 20-25 क्वेश्चन पूछा था 3-4 साल में, वो 25 क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद कहानी ड्यूअल पाई चार्ट की भी कर लेंगे, क्योंकि मे बी संभव है कि आगे चल के आपको ड्यूअल पाई चार्ट से भी 1-2 सवाल से मुलाकात हो जाए, तो हो जाए तो आगे की भी तो रणनीति बना के चलनी होगी, तो थोड़ा स्ट्रक्चर पर ड्यूअल पाई चार्ट पर चर्चा कर देंगे। आइए इधर शुरुआत करते हैं प्रीवियस का, पहले प्रीवियस निपटाइए। करें एक परिवार के प्रति माह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है और परिवार की आमदनी 33,650 है, दे दिया है, बस छोड़ दीजिए, और पढ़ सकते हैं इच्छा हो तो मनोरंजन पर भोजन पर 1 महीने में मिलाकर कुल खर्च, अच्छा पूछ ही दिया है, पूछ दिया है कि परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर 1 महीने में मिलाकर खर्च, तो किस किस पे, इंटरटेनमेंट पर और फूड वाला पे, इस दोनों पे कितना, तो फूड वाला दिया हुआ है कितना 25%, इंटरटेनमेंट कितना दिया हुआ है 9%, 25 और 9 कितना हो गया 34%, तो डेटा दिया हुआ है कुल तो 33,650, सारा जोड़ घटाव पहले कर लिए, ये दोनों मिला के तो 25 और 9 34, इसका 34/100, 1 0 कट जाएगा 5 से और 2 से कट जाएगा, 5 से कटा 6, 7, 3, 2 से कटा 17, काट दीजिए 17 × 3 51, 119, 5, 124, 12, 102, 12, 2, 114, 11, 44, 1, रिजल्ट बन के आ गया, टिक लगाइए निकल जाइए। रिमूव करते हैं इसको, अब जहां हो ऑप्शन अपना चुन लीजिए, 11, 44, 1, ए नंबर ऑप्शन में है नहीं, बी में है, 11, 44, 1, बी में भी नहीं है, 11, 44, 1, हाँ बी में, चलिए टिक लगाइए निकल जाइए। अगला क्वेश्चन बनाइए दूसरा, वो था RPFSI 19 का, ये देखिए, करें रामू के घरेलू खर्चों का प्रतिशत बार 4 खंड में विवरण दिया गया है, 55,000 महीना में अर्जित करता है, उसके द्वारा भुगतान की गई EMI क्या है, EMI कितना है 46%, सिंगल डेटा से सवाल है तो डायरेक्ट 46% सिर्फ निकालिए, 55,000 का 46% / 100, 2 0 कट गया, 11 × 23, 11 × 33, 22 × 3 25, 2 0 25 300, तो 25 300 जहां हो टिक लगाइए, ऑप्शन को चुनिए, 25 300 ऑप्शन नंबर ए, टिक लगाइए निकल जाइए। चलिए रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है,
दिया गया पाई चार्ट वर्ष 17 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा कुल बिक्री को दर्शाता है। तो सब कंपनी का कुल बिक्री दर्शाता है, सैमसंग का, एप्पल का, सबका अपना अपना डेटा दिया हुआ है। अब आइए ऊपर, पाई चार्ट सामने दिख रहा है। अब करें 17 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी तो वीवो का, तो वीवो कितना है, 6%। तो वीवो 6% है, कुल बिक्री 5000 है और इसका वीवो कितना, तो 6%, 6/100 50×6=300। ऑप्शन नंबर ए टिक लगाइए, निकल जाइए। कुछ नहीं करना है पाई चार्ट में, सिर्फ बहुतों को बेसिक ग्राउंड पता नहीं होता है तो इस वजह से, और उसमें भी रेलवे प्रीवियस में आइएगा तो जीरो लेवल का पूछ रहा होता है। हाँ, वही बैंक में जाइएगा तब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन से मुलाकात होगी। 4 से 6 में दिया गया है, 4 से 6 तीन क्वेश्चन है आपका इस पाई चार्ट से। छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र वीणा है, तबला है, गिटार है, वायलन है, ये सब प्रतिशत में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को ऊपर खिसकाइए, अब बनाते जाइए क्वेश्चन। पहला, वायलन से संबंधित सेक्टर का कोण बताइए। वायलन, वायलन कितना है, 16%। अब प्रतिशत में डेटा है 16, अब क्या कहा है, सेक्टर का कोण बताइए, तो डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलते तो क्या करते, 18/5 से गुना, 18×6 108, 10 बचा, 18×10 28/5 57.6 डिग्री, जहां हो टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर सी टिक लगाइए, निकल जाइए। बस यही करना, पता है अभी बताए हैं, डिग्री है, प्रतिशत को डिग्री में बदलना तो 18/5, कहीं डिग्री होता प्रतिशत में बदलना होता तो 5/18 से गुना करते निकल जाते। चलिए इसको रिमूव करते। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 300 छात्र है तो तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले के बीच का अंतर पूछा है, पढ़ लीजिए। तबला और बीना वाले का अंतर टोटल 300 है। अब नीचे आ जाइए, 5 नंबर, तबला और बीना का अंतर, तो बीना कितना है 30, तबला कितना है 29, दोनों का अंतर 1%। तो आपका काम है दोनों का अंतर निकालना, का मतलब है कि 300 टोटल है, अंतर तो ये 30%, ये 29%, अंतर कितना 1%, 1% निकाल दीजिए कितना हुआ 3, टिक लगाइए निकल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको रिमूव करते हैं। 5वां हो गया, 6ठा है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलन बजाने वाले से कितना होगा। तो गिटार वाले और वायलन वाले का अनुपात सिंगल पाई चार्ट है, का मतलब डेटा में इन करना ही नहीं है। तो गिटार वाला अनुपात वायलन वाला, देख लीजिए क्या क्या है, गिटार अनुपात वायलन, गिटार है 25, वायलन है 16, तो 25 है गिटार, वायलन है 16, अनुपात 25:16, जहां हो ऑप्शन में टिक लगाइए निकल जाइए, 25:16 ऑप्शन नंबर सी टिक लगाइए निकल जाइए। और कुछ नहीं करना है पाई चार्ट में, चलिए इसको रिमूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आइए, 2015 में एक्स वाई जेड कंपनी के व्यय को दर्शाता है अलग अलग मद पे। तीन, एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है और उसका अलग अलग खर्चा दर्शा रहा है, प्रतिशत में डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए। कर एक्स वाई जेड के विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ खर्च किया हो तो R&D में कितना खर्च हुआ है। तो R&D में खर्च निकालना है, टोटल है 100 लाख, तो टोटल 100 लाख है, 100 लाख, R&D में कितना है 40%, तो इसी का 40%, 40/100 निकालना, तो कितना हो गया 40 लाख, 40 लाख टिक लगाइए, जहां हो ऑप्शन में चुनिए टिक लगाइए निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, तो 40 लाख इसका हो गया रिजल्ट आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न पाई चार्ट भारत के मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है। टोटल क्वेश्चन प्रीवियस है और 4 साल में जो भी पाई चार्ट से पूछा वो सब डाल दिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पाई चार्ट से पिछले 4 साल में पूछा हो छोड़ दिए, जितना पूछा उस सब को डाल दिए, तो अभी वही करवा रहे हैं जो पूछा गया है। निम्न पाई चार्ट में मोबाइल कंपनी की जानकारी दे रहा है, अब ये सब अलग अलग कंपनी है। अब कर रहा है, कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या 12,40,000 है, एक्स वाई जेड का निर्माण बताना है, एक्स वाई जेड यहाँ है,
एक्स वाई जेड आपका कितना बता रहा है, 12%। एक्स वाई जेड वाला बता रहा है 12%, टोटल है 12,40,000। इसका 12% निकालना है तो 12/100, 2 जीरो आपका कट गया, 12 से गुना कीजिए तो 00 बचा, 12 × 4 = 48, 144 और 4 = 48, 14,88,000, 1,48,800, ऑप्शन नंबर ए उपलब्ध है, टिक लगाइए निकल जाइए। चलिए अगला, इसको रिमूव करते हैं, एक भी अपना क्वेश्चन नहीं डाले, जो डाले शुरू से ही कहे केवल प्रीवियस करवाएंगे तो प्रीवियस ही। और एक की जानकारी है, स्पोर्ट्स किट की बिक्री डॉलर में दिया हुआ है, 36,82,000 का टोटल राजस्व था। तो 36,82,000 का टोटल राजस्व दिया हुआ है। अब बढ़िए आगे, पीडीएफ टेलीग्राम के ग्रुप लिंक में उपलब्ध करवा देते हैं तो इसका भी पीडीएफ उपलब्ध रहेगा, डेटा 36,82,000। अब क्वेश्चन को देखिए, बनाइए 36,82,000, यही डेटा टोटल। अब कह रहा है क्रिकेट किट की बिक्री के माध्यम से एक्स वाई जेड कितना राजस्व पाया, तो क्रिकेट किट में कितना है 30%, तो इसका 30% निकालिए, 30/100, 1, 2 जीरो कट गया, 3 से गुना 00, 6, 24, 18, 2, 20, 0, 2, 9, 2, 11, 11, 0, 46, 00, 11, 0, 46, 00, ऑप्शन नंबर ए टिक लगाइए निकल जाइए। यही कहानी सिर्फ करना है, एक औपचारिकता भर क्वेश्चन पूछता है डीआई से, ना कि डीआई में रेलवे में कहीं कोई डिजाइन नहीं दिख रहा होगा, चाहे वो टेबुलेशन हो आगे पढ़ेंगे वहां भी डिजाइन नहीं दिख रहा होगा, बेसिक पाई चार्ट, बस वही 2-3 लाइन को मेंटेन करके रखिए। 10वां क्वेश्चन है आपका, क्रय दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फोन निर्माता कंपनी ने कुल निर्मित मोबाइल है 12,40,000, PQR द्वारा निर्मित पूछा है, तो PQR है 25%, तो डेटा लीजिए 12,40,000 का 25%, 25/100 या 1/4, 25 से कट गया 4 बार में, 4 से भाग दे दीजिए, 3, 1, 4, 0, 3,10,000, 3,10,000 ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए निकल जाइए। कोई खास कहानी नहीं है इसमें, बस इतना ही मेंटेन करते जाना है। चलिए इसको रिमूव कीजिए, कहे इसको पूरा करवा के थोड़ा ड्यूअल पाई चार्ट पर भी चर्चा जरूर कर देंगे। 11 नंबर, आप लोग भी अपना आगे आगे बनाते रहिए तो और बेहतर। 17-18 के दौरान खिलौना बेचने वाली कंपनी की बिक्री के प्रतिशत बार बंटवारा को दर्शाता है, ये दर्शा दिया पाई चार्ट में। अब पूछा है कुल राजस्व 38,72,000 था, तो किस प्रकार के खिलौने ने कंपनी के लिए उच्चतम राजस्व अर्जित किया, तो सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित कौन सा कंपनी किया, डेटा दिया है, लेकिन कोई डेटा की कोई जरूरत नहीं है सिंगल पाई चार्ट में। देखिए कि इसमें से सबसे ज्यादा राजस्व कौन है, तो सबसे ज्यादा एक ही डेटा का सब प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, म्यूजिकल टॉय, तो म्यूजिकल टॉय सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन चुनिए म्यूजिकल टॉय, आपका बी नंबर ऑप्शन है, टिक लगाइए निकल जाइए। आगे बढ़िए, कह दिया गया पाई चार्ट एक्स वाई जेड कंपनी द्वारा 15 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है, कपड़ा उत्पादन में कॉटन का कौन सा है, सिल्क का कौन सा है, लिनन का कौन सा है, सब कपड़ा का प्रतिशत बार ब्यौरा दिया हुआ है आपका, पीडीएफ टेलीग्राम का ग्रुप इसके लिंक में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक में दिया हुआ है, तो जिनको क्वेश्चन थोड़ा कम भी दिख रहा हो आराम से सॉल्यूशन करते जाइए, और पीडीएफ उसके लिंक में आपको उपलब्ध मिलेगा, तो वहां से जुड़ जाइए ग्रुप में, पीडीएफ उपलब्ध रहेगा, जानकारी को दर्शाता है। अब नीचे क्या पूछा है ये देख लीजिए, 15 में कुल उत्पादन 150,000 टन है, तो 15 में कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ, सैटिन के कपड़े का, सैटिन कितना है 6%, तो 6% और टोटल दिया हुआ है, तो टोटल का 6% आराम से निकाल दीजिए, 1,50,000 का 6%, 00 कैंसिल हो गया,
15 × 6 = 90, दो और 0 तो 9000। जहां हो ऑप्शन में टिक लगाइए। कितना है सैटिन, किसका पूछा है, सैटिन का ही ना, हाँ सैटिन, सैटिन का हो गया 6%, 1,50,000, 6%, 15 × 6 = 90, 9000 ऑप्शन। इसका एंट्री में गड़बड़ी किया है तो उसको एक को सुधार लीजिएगा, जो पूछा है उसका रिजल्ट होगा 9000। इसका एक ऑप्शन शायद एंट्री करने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रहा है, चलिए इसको रिमूव करते हैं, आप अपने हिसाब से ऑप्शन सुधार लीजिएगा। चलिए अगला है, एक पाई चार्ट दे दिया है, वृत्त आरेख, प्रकाशन कंपनी के खर्च को दर्शाता है, कुल खर्च 50,000 है तो बाइंडिंग लागत क्या है। फिगर नीचे ही देख लीजिए, बाइंडिंग लागत यही दिखा रहा है 20%, और कुल दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 का 20%, 20/100 कट गया, 5 बार 5 से कटेगा 10,000। लिखिए, टिक लगाइए, निकलिए, बस इसमें यही करना ही है। रेलवे में टोटल प्रीवियस उठाए हैं और जितना पूछा सबको उठा के डाल दिए, फिर एक पाई चार्ट को दर्शाया है, पेंटिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह सारा कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट शो कर दिया है, प्रतिशत में सारा डेटा है। पर ये क्वेश्चन सीधा आंसर में आइए, बैठ के डिटेल में बैठ के लाइन 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 मिलाने का प्रयास मत कीजिए। पाई चार्ट का मतलब है, देखिए मोटा मोटी देखिए कि क्या दिया है, कुल खर्च इतना है, परिवहन खर्च पूछ रहा है, बस इतना ही देखिए, कुल खर्च 50,000 है, अब परिवहन खर्च पूछा है, और आ जाइए क्वेश्चन, कुल खर्च 50,000, तो कुल 50,000, अब पूछा है परिवहन खर्च, परिवहन को ढूंढिए कहाँ है, ट्रांसपोर्ट कहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%, तो 10% 10/100 कर दिए तो 5,000, टिक लगाइए, जहां हो ऑप्शन में टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, 15 से 17, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पाई चार्ट एक परिवार के लोगों का पसंदीदा सितारों बॉलीवुड सितारे हैं, SRK जानते ही होंगे, शाहरुख खान, SK सलमान खान, AK अक्षय कुमार, HR ऋतिक रोशन, और ये VD वरुण धवन को दर्शाता है। खैर नाम की कोई आपको जरूरत नहीं है, बैठ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस नाम देखिए। आइए क्वेश्चन क्या करें, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 15वां, SRK को पसंद करने वाले की तुलना में SK को पसंद करने वाले का अनुपात, SRK और SK का अनुपात, पहला क्वेश्चन, SRK और SK का अनुपात, यही दोनों है, SRK 25 SK 30, तो 25/30 = 5/6, अनुपात मतलब बटा, बटा मतलब अनुपात, तो 5/6 ऑप्शन नंबर B, टिक लगाइए, निकल जाएगा। 16वां पढ़िए, अनुपात पूछा तो डेटा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, चलिए इसको रिमूव किए। 16वां पढ़िए, HR का समरूपी क्षेत्र कौन कौन सा होगा, एंगल पूछा है, किसका, HR का, ऋतिक रोशन का, तो एंगल पूछा है ऋतिक रोशन का, निकालिए 16वां क्वेश्चन, HR ऋतिक रोशन का एंगल, प्रतिशत कितना है 20, इसको एंगल में बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना, 5 से 4 18 × 4 72, तो 72 डिग्री हो जाएगा, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए आगे बढ़िए, इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन में तीसरा इसका क्या है, 17वां, करें परिवार में 40 लोग, तब कर रहे AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वाले का अंतर बताइए, AK या VD का डिफर, टोटल 40 है, चलिए ऊपर जाइए, AK VD का डिफर, तो AK 15 है, VD 10 है, तो डिफर कितना हुआ, 15 × 10 = 5%, और टोटल 40 है, तो टोटल 40, AK 15 VD 10, तो 15 × 10 = 5, 5%, 200/100 = 2, तो 2 व्यक्ति का डिफर होगा, टिक लगाइए, निकल जाइए। तो कहे प्रतिशत में जोड़ घटाओ भी पूछे तो सारा जोड़ घटाओ पहले पाई चार्ट पे कीजिए, क्योंकि सब सिंगल पाई चार्ट ही पूछा हुआ फेज मिला तो आराम से निकलिए। चलिए इसको रिमूव करते, 15 16 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन,
1200 विद्यार्थी आगमन हुआ। उसके बाद दिया गया है कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, तो 1200 विद्यार्थी आया, अलग अलग साधन से आया, कितना कार से आया। सारा डेटा इसमें डिग्री में दिया हुआ है, प्रतिशत के जगह डिग्री। तो टोटल छात्र है 1200, कार से आने वाला तो कार वाला है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्रतिशत होता तो 100 से भाग, और डिग्री को बदलने के लिए तो 360 टोटल होता है, 360 डिग्री और प्रतिशत टोटल 100। बस ये कीजिए, निकालिए, 30 से कट जाएगा या 15 से, एक एक जीरो कट गया आपका, 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 12, 12 कट गया तो 100, 12 100 गुना 5 500, तो 500 लिखिए जहां हो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी उपलब्ध है, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव कीजिए, अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 21 की तरफ। 19 से 21 आपका तीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, कहा है पाई चार्ट पढ़िए विचार कीजिए, तो ऐसे भी वही कहेगा कि विचार कीजिए, आप विचार करते रहिए, क्वेश्चन में सीधा आइए। पहला क्वेश्चन आपका 19 नंबर क्या कह रहा है, क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61700 है। तो कुल क्षेत्रफल 61700 है, क्यू का क्षेत्रफल पूछा है, थोड़ा नीचे आ जाइए, क्यू का क्षेत्रफल टोटल 61700 है, तो टोटल 61700 है, क्यू वाला निकालना है तो क्यू कितना है 22%, तो 22/100, 00 कट गया आपका, 22 से 22 गुना 7 14, 15 बचा, 22 और 15 37, 3 बचा, 22 गुना 6 120, 12 132, 3 135। कोई जरूरत नहीं था कि इतना गुना ही करते, जैसे लास्ट में दो अंक तक गुना किए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 74 लास्ट में है, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए आगे बढ़िए, इसको रिमूव करते हैं। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पी का सेक्टर एंगल बताइए, कोण बताना है किसका, पी का, तो पी का कोण, अब आ जाइए नीचे, पी कितना है 14% है, तो 14%, अब प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए क्या कहें, 18/5 से गुना करना, कर दीजिए, 4 बार में 72 हो गया, 2 बचा 7, ये 2 हुआ 7 बचा, 18/7 25/5, 5 से भाग तो 50.4, तो डिग्री में होता तो 50.4 डिग्री, टिक लगाइए, निकल जाइए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया 21। राज्य आर के वन क्षेत्र का टी और एस के संयुक्त क्षेत्र से अनुपात, आर वाले का टी और एस के टोटल से अनुपात, आर का टी एस के टोटल से अनुपात, आर का टी एस के टोटल से अनुपात, अनुपात पूछा आर का, तो आर वाला है 34 अनुपात, टी एस का टोटल ये 18 ये 12 30, इसके बीच का अनुपात तो 2 से कटा 17/15, या इसी को भिन्न में लिखता तो 17/15, जैसा ऑप्शन लिखा हो 17/15, जहां हो वहां से टिक लगाइए, निकल जाइए, 17/15 में है तो बी नंबर ऑप्शन आपका रिजल्ट हो गया। चलिए इसको रिमूव कीजिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ड्यूअल पाई चार्ट का थोड़ा यूज किया है, पहले पढ़िए, दो पाई चार्ट है तो क्या क्या है, 20 वर्ष से कम आयु वाला, 20 से 40, 40 से अधिक आयु वाला, कहाँ दर्शाया है जरा देख लीजिए, 20 से 40 वाला, 20 वर्ष तक वाला, अब 20 वर्ष आए उससे ज़्यादा, 20 वर्ष तक, 20 या 40 के बीच, 20 से 40 तक और उससे ऊपर वाला, इधर दर्शाया है, और क्या क्या कहा है इसको थोड़ा पढ़िए इत्मीनान से। दिए गए आंकड़े देशवार आयुवार व्यापार के लिए चीन की यात्रा करने वाले लोगों के अनुपात को दर्शाता है, ये है पाई चार्ट, इत्मीनान से अब देखिए, एज ग्रुप ये सब है बटा हुआ एक पाई चार्ट पे, ये सब अलग अलग देश वाला
चीन के यात्रा पर गया, अमेरिका का 60%, ब्रिटिश का 20%, रसिया का 5%, अदर कंट्री का 15% गया है दौरा पे, चीन के दौरा पे व्यापारिक कार्य हेतु, जिसमें एज ग्रुप अलग अलग दिया हुआ है। मतलब ये है जनसंख्या, और उस जनसंख्या का ये है एज ग्रुप, यही दिया हुआ पाई चार्ट। अब इसको बनाना है, थोड़ा ऊपर जाइए। अब जो पूछ रहा हो करे, दिए गए वर्ष में 5 लाख लोगों ने चीन का दौरा किया, तो टोटल जो हर देश मिला के है दौरा चीन का करने वाला 5 लाख है, ये दे दिया है। करे चीन की यात्रा करने वाले 20 से 40 वर्ष के बीच के आयु के अमेरिकी, अब 20 वर्ष से कम आयु वाले रूसियों का अनुपात, तो अनुपात के लिए कहे हैं कि डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 से 40 का अमेरिकी, अब 20 से कम वाला रूसी, बस दोनों लाइन ध्यान रखिए क्योंकि पाई चार्ट ऊपर है, 20 से 40 वाला अमेरिकी, अब 20 से कम वाला रूसी, 20 से 40 वाला अमेरिकी, तो 20 से 40 में है कितना 20% अमेरिकी, तो 60, तो 60% का 20% कितना हो जाता, तो 60 का 20/100 तो 12। और उसके बाद कराए 20 से नीचे वाला रशियन, तो रशियन कितना है 5, अब 20 से नीचे कितना है 60, तो 5 का 60% कितना होता 3, अनुपात निकालते तो 4:1, तो 4:1 का अनुपात हो जाता, डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इसको रिमूव कीजिए, अगला क्वेश्चन में आइए। 22 के बाद एक ही क्वेश्चन इसमें भी पूछा था, 23 नंबर, मानव शरीर में खनिज की मात्रा को बताता है, ये पाई चार्ट पे दिया हुआ है, तो आइए अब आगे बढ़िए। सोडियम कितना परसेंट है, पोटासियम कितना परसेंट है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबका दिया हुआ है, पूछा क्या है, ऊपर ही दे दिया था, ऊपर ही सवाल तब होगा, पढ़ लीजिए। मानव शरीर में विभिन्न विवरण, आंकड़ों के आधार पर कहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात बताइए, तो अनुपात पूछा है तो डेटा की कोई जरूरत नहीं होगी, कैल्शियम और सोडियम का अनुपात, तो आ जाइए जहां हो कैल्शियम और जहां हो सोडियम निकालिए। कैल्शियम है 40 और सोडियम है 8:1, तो 5:1 ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाइए निकल जाइए, तो अनुपात पूछा तो कहीं डेटा की जरूरत नहीं हुई। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 करे, कुल उत्पादन इतना टन था, चावल उत्पादन की मात्रा पूछा क्या है, कुल उत्पादन 9000 टन था, तो चावल उत्पादन की मात्रा पूछा गया, तो टोटल दिया हुआ है, चावल क्या है 40, ये सब डेटा डिग्री में है, तो 40 डिग्री निकालना है, कुल उत्पादन 9000 टन है, इसका 40 डिग्री निकालना है, तो डिग्री के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत में तो 100 से और डिग्री में तो 360 से, 40 से कट जाएगा 9 बार और 9 से कटेगा तो 1000, यही 1000 टन आपका रिजल्ट हो गया। अब जहां ऑप्शन में मौजूद हो अपना चुनिए, टिक लगाइए निकल जाइए, 9000, ये 1000 ऑप्शन नंबर बी उपलब्ध है, तो बी में टिक लगाइए निकल जाइए। पिछले 4 साल का यही प्रीवियस था, यही 24 क्वेश्चन पिछले 4 साल में पाई चार्ट से पूछा गया था, लेकिन पाई चार्ट का स्कोप बड़ा है, यही एसएससी में जाइएगा तो ड्यूअल पाई चार्ट ज़्यादा मुलाकात होगी, बैंक में जाइएगा तो टिपिकल पाई चार्ट, सिंगल भी होगा तो टिपिकल पाई चार्ट से मुलाकात होगी, यही फर्क होता है। एक ड्यूअल पाई चार्ट जोड़ घटाव का सिर्फ हिंट करते हैं कि जोड़ घटाव का पाई चार्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं। चलिए आइए एक पाई चार्ट का सिर्फ चर्चा कर देते हैं, जोड़ घटाव का पाई चार्ट में भी यहां तक पूछ सकता है, इसका लेवल बेसिक कहलाता है जोड़ घटाव का पाई चार्ट। ये जोड़ घटाव का पाई चार्ट क्या हुआ, जैसे कहते हैं दो पाई चार्ट उठाया, आमदनी का, खर्चा का, बचत का,
इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अमाउंट, या टोटल स्टूडेंट उठा लिया, बॉय एक में गर्ल उठा लिया। जोड़ घटाव का पाई चार्ट का मतलब हुआ कि वह पाई चार्ट जैसे आमदनी या खर्चा दे देता था, आमदनी में खर्चा को घटाते तब बचत निकलता, टोटल स्टूडेंट और बॉय दे देता तो टोटल स्टूडेंट में बॉय को घटाते तो गर्ल, जोड़ इसलिए कि बॉय अगर दे देता स्टूडेंट पूछता तो बॉय प्लस गर्ल कर देते तो स्टूडेंट निकल जाता। इस टाइप का ड्यूअल पाई चार्ट का अरेंजमेंट, और ड्यूअल पाई चार्ट में इस टाइप के पाई चार्ट में अक्सर सवाल तीसरे पार्टी से पूछ रहा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी पे चर्चा कर देते हैं ताकि मतलब समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया टोटल स्टूडेंट का, 85,000 स्टूडेंट, एक पे दे दिया बॉय का डेटा, मान लीजिए कह दिया 51,000 बॉय है उसमें टोटल। अब टोटल स्टूडेंट एक पाई चार्ट पे सजा दिया, पांच अलग अलग स्कूल का या शहर का ही कहिए, ए बी सी डी ई, पांच शहर का। ए में मान लीजिए कह दिया 20%, बी में कह दिया 22%, सी में कह दिया 28%, डी में कह दिया 16%, कितना हुआ, 20 40 50 70 80 86 14% ई में टोटल स्टूडेंट एक पाई चार्ट पे। अब दूसरा पाई चार्ट पे आपको मान लीजिए वही सब बॉय का डेटा सजा दिया, ए स्कूल में 22, बी में कर दिया 20, सी में कर दिया 26, डी में कर दिया आपका 14, ई में कर दिया 18। देख लीजिएगा 50 100 पूरा होना चाहिए, 20 30 40 60 80 90 100 पूरा है। ये कर दिया आपको जोड़ घटाव का पाई चार्ट, इस पे चर्चा कर रहे हैं। ये तो पता है ये कुल स्टूडेंट है, ये बॉय है। ज्यादातर सवाल गर्ल में जा जाके पूछेगा कि सी स्कूल में कितनी लड़की है, डी स्कूल की लड़की का सी स्कूल की लड़की से अनुपात, सर्वाधिक लड़की किस में है, सबसे कम लड़की, तो बार बार सबको निकालना पड़ता है। अब पता चला 85,000 गुना 28 करते रहे, निकालते रहे, काफी समय खपत होता है। तो जब जोड़ घटाव का पाई चार्ट हो तो थोड़ा हिंट सिर्फ किए देते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस करवाने के उद्देश्य से आए थे। डीआई का इसको बहुत बड़ा है, लगभग 20-22 दिन का क्लास है डीआई, तो 22 दिन का तो क्लास नहीं लेकिन रेलवे का क्लास कम से कम निपट जाए। डीआई का मतलब हुआ कैट लेवल तक का डीआई मेंटेन होना, तो वहाँ 20-22 दिन लगातार क्लास आपका चलता रहेगा। आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, पाई चार्ट प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हो तो 1% के लिए पहले 00 काट काट दिए, 2 0, 100% इतना, तो 1% कितना, ये हो गया। उसके बाद अगर कुछ कॉमन डेटा दिखे फिर भी, तो फिर उसको भी काट के अलग रख लीजिए। जैसे कॉमन डेटा क्या दिख रहा है, एक एक जीरो कटेगा, 17 से कटेगा, 5 बार में 85, 17 से 5 बार में 85, 3 बार में 51। कॉमन डेटा कितना कट गया, 17 10 170 काट के हटा लीजिए। अब अगर लड़की का सवाल हो, अब जोड़ घटाव का ये पता है टोटल स्टूडेंट में जब घटाएंगे बॉय को तब बचेगा क्या गर्ल, तो गर्ल से सवाल होगा तो घटाएंगे। तो एक चीज फायदा हो जाएगा वो ये कि कैलकुलेशन जहाँ पर 85 गुना 28 करना पड़ता वहाँ 5 का टेबल आ जाएगा, और 5 का टेबल आएगा ऑटोमेटिक स्पीड फास्ट बना हुआ रहेगा। अब भाई मान लीजिए पूछ दिया ई में लड़की, ई में गर्ल, ये सवाल पूछा, तो देखिए अब कीजिए 14 गुना 5 70 टोटल है, उसमें से 18 गुना 3 54 लड़का है, तो टोटल 70 उसमें 54 लड़का, तो लड़की 70 में 54 घट गया तो कितना बच गया, 16 लड़की।
अब डेटा से सवाल पूछा है तो बाद में इसको 170 से गुना कर दीजिए, यही टोटल डी में लड़की हो गई। अगर संख्या पूछा, मान लीजिए सबसे लंबा इसका सवाल पूछ दिया, अ सिंगल पूछे तब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर पूछ दिया ई के स्टूडेंट, ए के स्टूडेंट और बी के स्टूडेंट का अनुपात, तो इस पाई चार्ट से ही सिर्फ सवाल पूछा ए का स्टूडेंट और बी के स्टूडेंट का अनुपात, तो सीधा 20-22 मतलब 10-11। या सिर्फ पूछता ए का बॉय और बी के बॉय का अनुपात, तो सिर्फ इसी से पूछा है तो 22:20 तो 11:10। लेकिन जब मिला मिला के सवाल पूछेगा तब टॉप डेटा लेते हुए तब चलते चलिएगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे टेढ़ा सवाल सिर्फ करवा देते हैं, ये करवाना उद्देश्य रहा नहीं है। रेलवे प्रीवियस में जितना तक पूछा है उतनी कहानी कर चुके हैं। जैसे इसका ओवरऑल सबसे लंबा सवाल क्या होता है वही लिख रहे हैं। मैक्सिमम गर्ल किस स्कूल में, ये निकालना है। तब देखिए, तब बारी बारी से, जब सर्वाधिक का सवाल पूछे, हालांकि जब रेगुलर क्लास चला रहे होते हैं तब बताते हैं, जब ओवरऑल से सवाल हो तो सबसे पहले ओवरऑल को ही डील कीजिए, जबकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ओवरऑल को छोड़िए, हम सबसे पहले कहते हैं ओवरऑल को ही डील कीजिए। अब देखिए टोटल कितना, पहला ए स्कूल में तो 20×5 100 है, उसमें ए स्कूल में तो 22×3 66 लड़का है, तो 100 में 66 हट गया तो बचा कितना, 34 गर्ल। ऐसे ही बी स्कूल में आ जाइए, 22×5 110 टोटल स्टूडेंट है, अब 20×3 60 उसमें लड़की है, तो 60 घटाइए तो लड़का है, तो 50 लड़की बच गई। सी स्कूल में आइए तो 28×5 140 टोटल है, 26×3 60 18 78, तो 22×40 22 62। डी स्कूल में आइए, 16×5 80 टोटल है, 14×3 42 हटा दिए तो बचा कितना, 38 लड़की है। और ई स्कूल में आए तो 14×5 70 टोटल है, जिसमें 18×3 54 लड़का है, तो 70 में से 54 घट गया तो बचा कितना, 16। अब पूछ दिया कि मैक्सिमम लड़की किस में है, तो मैक्सिमम लड़की किस में, ए बी सी में। मिनिमम लड़की किस में है, तो मिनिमम लड़की सबसे लास्ट वाला मतलब ई में है। और जब ये मेहनत करके रख लिए कि मैक्सिमम गर्ल किस में है या मिनिमम गर्ल, मतलब ओवरऑल सवाल बना लिए, तो अब अगर पूछता डी ई, ऐसा करके अगर लिख के रख देते हैं तो अब कोई भी रेशियो पूछे तो आपको डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिशत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर सामने। जैसे कह दिया बी का बॉय इज टू गर्ल क्या होगा, तो बी स्कूल में आए, अब बॉय निकाला हुआ है 60, गर्ल निकाला हुआ है 50, तो 60 50 रेशियो निकाल दिए, 6:5। प्रतिशत पूछा अन्य सवाल में, इसीलिए कहते हैं ओवरऑल में ये काटना अगर आ गया का मतलब है कि ओवरऑल वाला टेंशन फ्री हो जाइएगा, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो कहा जाता है सबसे टेढ़ा है, तो डिटेल में जब जाइएगा तब लगता है कि अरे जितना ज़्यादा पाई चार्ट करेगा, 6 6 7 7 पाई चार्ट रेगुलर बैच वालों को तो पता होगा, तो 7 7 पाई चार्ट करवा रहे होते हैं, 6 6, जितना ज़्यादा टेढ़ापन दिखता है लगता है इसमें बहुत गुना होगा, वो उसमें गुना है ही नहीं एक्चुअल में, वो देता ही है माइंड चेक करने के उद्देश्य से, तो बशर्ते कि पाई चार्ट का मतलब आपको पता हो। तो यही कहानी है, मान लिया जाए कह दिया ई का गर्ल बी के बॉय का कितना प्रतिशत। अब जब ये टेबल बना चुके हैं तो ई का गर्ल, ई में आइए गर्ल 16, बी के बॉय का, तो बी का बॉय कितना 60 का कितना प्रतिशत, तो गुना 100 कर दिए, निकल गया कहानी खत्म। तो ये जब ओवरऑल इसलिए कहते हैं कि 5 क्वेश्चन है तो एक ही बार पांचों पे नजर डालिए, और सबसे अगर पहले ओवरऑल दिख रहा हो, अगर सवाल पूछा है तो बढ़िया है सबसे पहले ओवरऑल बना लीजिए, नहीं तो पता चलेगा एक इसको बनाए फिर इसको, तो 4 बार गुना किए फिर ये ओवरऑल के वक्त सब गुना करना ही पड़ा, तो क्यों ना पहले ओवरऑल ही कर लिए।
तो इसलिए बेहतर कहा जाता है कि ये काट के रखिए। हालांकि रेलवे के पिछले 4 साल का टोटल क्वेश्चन करवा दिए तो वहाँ कहीं ड्यूअल पाई चार्ट और जोड़ घटाव में नहीं गया है। तो आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे की जरूरत अभी तत्काल नहीं है। होगी जरूरत तो चर्चा फिर करेंगे पाई चार्ट पर, जब पीओ स्पेशल चलाएंगे तो पाई चार्ट दिखेगा कि पाई चार्ट कहाँ तक जाता है। पाई चार्ट का अपना एक रेंज है, बहुत जगह पर वो नहीं पल्ले पड़ रहा होता है, तो लेकिन रेलवे लेवल एसएससी लेवल में यही पता चला रहा है। आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। डीआई का दूसरा पार्ट टेबुलेशन और अभी कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण पार्ट है, कैसे बीच से निकलेंगे वो चर्चा भी साथ में करते चलेंगे। डीआई का उपयोग ही दिया जाता है इसी उद्देश्य से कि समय का बचाव, और अगर समय का बचाव ना कर सके तो डीआई तो जोड़ घटाव करके एक एक डेटा निकाल के सब कोई बनाएगा। तो डीआई का मतलब ये होता है टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट कर लीजिए, बस यही कहानी है। आज का क्रम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। फिर कह देते हैं जिनके पास पीडीएफ नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, नीचे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप से जुड़िए। भी कोई वीडियो देखिए तो उसका पीडीएफ जरूर उपलब्ध करवा देते हैं, तो पीडीएफ वहां उपलब्ध करवाते रहेंगे। अभी रेलवे सीरीज चला रहे हैं तो रेलवे सीरीज का पीडीएफ उपलब्ध करवाते चल रहे हैं, यही क्रम आगे भी जब जो जैसा शुरू करेंगे उसका शुरू करते रहेंगे। रेलवे प्रीवियस की बारी है, आज भी प्रीवियस, अभी जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक एग्जाम हो चुका, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहा, स्टैटिक्स का वीडियो दिए हैं, देखिएगा काम किया या नहीं किया। और आगे भी जो एग्जाम होगा सिर्फ सब एग्जाम जमा करके देखिएगा कि स्टैटिक्स उतना ही किए हैं, स्टैटिक्स में डिटेल में नहीं गए हैं, उसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शन है, पार्ट टू है। अभी जहां तक गए हैं उतना में ही एक घंटा डेढ़ घंटा का वीडियो बना दिए, तो डेढ़ घंटा इसलिए डेढ़ घंटा दो घंटा पहुंच गया कि एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं तो थ्योरम को अगर लेके चलते तो मुश्किल से 20-22 मिनट की कहानी थी, और 22 मिनट में आपका कहानी लगभग समाप्त हो जाता, बशर्ते मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। तो 20-22 मिनट में आपका रेलवे का एक डीआई उधर का वो पार्ट फिक्स हो जाता है। तो ये क्रम जारी रखेंगे, आगे फिर अगले कड़ी को लेके चलेंगे। तो आज का क्रम यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अपने एक निश्चित फेज को लेकर।